here in Bharuch और आज हम जा रहे हैं पोईचा which is near राजपिपला। सडनली प्लान हट गया, बिल्कुल प्लान नहीं था और हम ये वगैरह लेके जाने वाले, क्योंकि मेरी गाड़ी तो बढ़िया डैमेज वो हो गई थी खराब। अरे बाबू तैयार हो गया और मैं ये टोक्यो भूल वाला टी शर्ट पहना था और उसका मास्क सूरत ही रह गया। मेरे को मैच करना था कितने दिनों से मास्क ला के रखा था टी शर्ट के साथ, लेकिन वो सूरत रह गया, नया खरीदना पड़ेगा मेरे को। बुलेट बुलेट अच्छा है, निकलने से पहले ही देख लिया कि आगे का टायर पंचर था, तो अभी यहीं पे सामने पंचर करवाने आया और अच्छा है मालूम पड़ गया, क्योंकि स्पेयर व्हील में भी कुछ तो लोचा है। वी आर हाफ वे, ऐसे तो आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है, जस्ट 30 मिनट्स, और रोड काफ़ी बकवास है, पूरा खड्डों से भरा है और हम लोग वैगनार में निकले। 3 का जो 10 किलोमीटर था वो एकदम बकवास था, लेकिन जो व्यू है यहाँ पे एकदम वर्थ इट है। एक्चुअली वाइड एंगल में उतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर जाके फ़ोन से नज़दीक से करूँगा तो मज़ा आएगा। और अभी 2:47 हो रहा है और पार्किंग के है कार का 50, रिक्शा का 30 एंड टू व्हीलर का आई थिंक 20 या 15 का, और सबका अलग और बहुत ही बड़ा है। अपनी कार इधर ही एंट्री पे ही लगी है और काफ़ी मज़ा आ गया, लेकिन बहुत टाइम चला गया, सिर्फ 89 किलोमीटर कवर करने में ऑलमोस्ट 3 घंटे चले गए, बहुत ख़राब लगता है। तो शायद आरती वगैरह चल रही होगी, डोंट नो, पूछने हमने। तू क्या तो तौन तो वागी ना गया? हाँ 5 मिनट बाकी है, तौन वागी। तो ये जो मंदिर है वो पानी के बीचों बीच है ऐसा कहा जा रहा है, और पानी है भी आजू बाजू पूरा, सबने अंदर बहुत सारे कॉइन्स डाले छोटे छोटे छोटे, काफी मस्त है एकदम। और उस तरफ में नदी का किनारा जिसमें पानी भी है, तो मंदिर के चारों तरफ पूरा पानी से भरा हुआ है और मस्त लग रहा है, लेकिन मजा आ गया मजा। मेरी बहन ने मुझे बताया कि ये जो यहाँ पे शंख है सब में से पानी भी निकल रहा है हर मंदिर में, और कुछ 111 मंदिर है यहाँ पे आजू बाजू मेन मंदिर के आजू बाजू सराउंडिंग में। एक बोट भी रखी है जो एकदम मस्त ब्यूटीफुल है, सही में मजा आ गया, एकदम मस्त वाली फील आ रहा है। आजू बाजू पूरा पानी, ब्लू टाइल्स है, ब्लू रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो और भी इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। ये महादेव का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, और दोनों पानी के बीच में। इतना ब्यूटीफुल है, मस्त लग रहा है एकदम। और यहाँ पे राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की और स्वामी नारायण भगवान की मूर्ति और मंदिर है। दिस इज द मेन डेप, मस्त एकदम सुपर, बहुत ब्यूटीफुल है बहुत। और ये रहा हनुमान जी का मंदिर सारंगपुर
वाले जैसा ही एक कष्ट भंजन श्री हनुमान जी का। दुखी मंदिर के अंदर अंदर बहुत सारे मंदिर है, अलग अलग भगवान के, विष्णु जी का, हनुमान जी का, महादेव का, जय हनुमान दादा। तो ये कुछ एंट्रेंस से मंदिर लगता है और ये जाने का रास्ता है। पूरे मंदिर के आजू बाजू कुछ 111 मंदिर ऐसा है, गलत इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं गिने मुझे भी ऐसा बताया गया था। टेम्पल के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए है, जैसे कि ये पूरा गार्डन और बहुत सारे अलग अलग भगवानों की लाइफ स्कल्पचर्स है, मूर्तियां है, अलग अलग है, फाउंटेन्स है सब, बट फाउंटेन शायद शाम को शुरू करते हो, अभी सारे फाउंटेन्स बंद है। और गेट के किनारे किनारे बहुत सारी शॉप्स है जिसमें अलग अलग चीज़ें मिलती है और खाने पीने की भी चीज़ें मिलती है। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम नहीं आए थे, जो कि बहुत ही मस्त एकदम ब्यूटीफुल, बहुत सारे हाथी हैं। ये रहा कैंटीन का मेन, यहाँ का कैंटीन है, काउंटर है और हर जगह अलग अलग डिश का अलग है, जैसे साउथ इंडियन, चाइनीज वगैरह वगैरह सब अलग है। नकली मोर और मूर्तियों के बीच में ये असली मोर आके बैठा, हम खा रहे तब नज़र पड़ी और कितना मस्त है यार। ऐसे ही ये नेशनल बर्ड थोड़ी है इंडिया का, इतना मस्त ब्यूटीफुल रिच कलर है ना इसका, मस्त है। वाह, कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे पास जाऊँ और प्रॉपर वीडियो लूँ। तो धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे, वैसे वो भी धीरे धीरे चला गया मस्त। अरे मगा मगा।